आज हम लेने आए हैं यहाँ पे अपना गिटार, यानी कि मुझे गिटार चाहिए और मेरी रेंज है मैक्सिमम 20,000, 20,000 तक का गिटार चाहिए और मेरे पास जो रेंज है यहाँ पे, इधर से शुरू करता हूँ मेरे उल्टे हाथ से, यामा, आइवनी, स्कॉट, फेंडर, फेंडर स्क्वायर, आरिया, हॉफनर, मतलब क्या नहीं है, EXL, जैज, प्लूटो, कैप्स और वॉल्फ, आइवनीज, सारे गिटार, मतलब मुझे यहाँ पे सारी रेंज मिलने वाली है। अब ये देखते हैं कि करके हम चेक करते हैं सारे गिटार, और जो मैं साइज लूंगा वो लूंगा एक स्टैंडर्ड साइज, यानी कि 41 इंचेस का जो साइज आता है। तो छोटे साइजेस में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं वही साइज प्ले करना प्रेफर करता हूँ। तो ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, देखिए यहाँ पे फिएस्टा भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे यूकुलेले आप देख रहे होंगे। तो यूकुलेले कौन सा लेना चाहिए या फिर क्या क्या साइजेस आते हैं, इसके बारे में हम एक नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले चेक करते हैं गिटार्स। अच्छा, मतलब ये ना एक बैलेंस साउंड है, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस भी है, वॉर्म भी है, और अगर मैं आइवनी जो मैंने चेक करा है उसमें आपको वॉर्म साइड ज्यादा मिलेगा और ट्रेबल थोड़ा सा कम मिलेगा, शार्पनेस थोड़ा सा कम मिलेगी, पंचीपन थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन वॉर्म साउंड ज्यादा है। जब आप बार कॉर्ड्स प्ले करोगे तो जो बेस आपको चाहिए होता है वो आपको आइवनीज में ज्यादा मिलेगा और कंपैरेटिवली कॉर्ड में कम मिल रहा है, लेकिन इसमें क्रिस्पीपन है, शार्पनेस ज्यादा है। तो ये भी अपना अपना टेस्ट है कि किसको क्या अच्छा लगता है। मेरे को शार्पनेस पसंद है, लेकिन क्योंकि मेरे गिटार के मल्टी यूज है, मेरे को यूट्यूब वीडियोस भी बनाने होते हैं, गाने रिकॉर्ड भी करने होते हैं, लाइव भी प्ले करना होता है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं एक ऐसा गिटार लूँ जो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करे शार्पनेस में और वार्म साउंड में, लाइट साउंड में, ब्राइट साउंड में, ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस लाए। तो मैं आज देखिए कौन सा गिटार लेता हूँ। मैंने लगभग यहाँ पे 10 गिटार चेक करे हैं, 10 में से जो मैंने 3 शॉर्टलिस्ट करे हैं वो है एक ये यामाहा FX310 ऑल ए सेकंड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल भी बोल सकते हैं। दूसरा मैंने देना चुनो, दूसरा ये सेलेक्ट करा है मैंने, कॉर्ड का मॉडल है अर्थ ग्रैंड FOP, ठीक है जी। तो ये सॉलिड टॉप है, ये सॉलिड टॉप नहीं है। और तीसरा मुझे सॉलिड टॉप आइवनीज का पसंद आया है जिसका मॉडल नंबर है AW54CE ऑप्शनल, ये भी है। तो तीनों में खास बात क्या है मैं आपको बता दूं, यामा जो मेरे हाथ में है ये जाना जाता है अपनी पंची साउंड के लिए, ब्राइट टोन के लिए, ठीक है जी। तो जो लोग ऐसी टोन पसंद करते हैं वो ये ले सकते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ हेलो हेलो, इसमें आवाज़ इको कर रही है, इतनी आवाज़ कैच कर रही है, ठीक है। दूसरा ये जो मेरे पास है ये है आइवनीज, ये आइवनीज जो है ये वॉर्म साउंड की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आइवनीज को वो लोग पसंद करेंगे जिनको कहीं ना कहीं बेसी आवाज, मोटी आवाज, ट्रेबल कम, शार्पनेस कम, ऐसी जो चीजें चाहिए वो उनको जो पसंद है वो आइवनीज की तरफ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। और तीसरा आया है मेरे पास स्कॉट, जो कहीं ना कहीं बैलेंस है दोनों टोन्स का, शार्पनेस का और बेस का, ये अच्छा बैलेंस है। तो देखते हैं कि मैं कौन सा गिटार फाइनल करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बजट डिस्कस नहीं करा है यहाँ के ओनर से, जो प्रभजोत भाई है। ये शॉप है 225 मेट्रो प्लग पे, साहिब म्यूजिकल, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और 2 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, एक है म्यूजिक वाले और एक है रॉटन गिटार। अगर आप ये बोलते हैं तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 15% का डिस्काउंट मिलेगा, 15-20% का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनके रेट्स में क्या क्या वेरिएशन। मैंने आपको बताया था मैंने आइबिनीज देखा है, कॉर्ड देखा है, यामाहा देखा है, तो मैंने आपको बताया था मेरी रेंज जो है 20,000 की है और आइबिनीज और कॉर्ड का जो हाई एंड मॉडल था वो मेरे बजट में नहीं आ रहा है, एक 23,000 का, एक 22,000 का है, ठीक है। तो मैंने ये 2 मॉडल हैं जिनके बीच में मुझे कन्फ्यूजन है, एक है MR500E और एक है ये क्या है बाबू जी, AD करके कुछ AD850SE, ठीक है जी। तो ये 2,000 महंगा है, ये 2,000 सस्ता है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन वुड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वो ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो स्मूथ है थोड़ा बजाने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है। अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आप गाने रिकॉर्ड करते हो या लाइव परफॉर्मेंस ज्यादा चलते हो, यानी कि आपका जो सेमी एकॉस्टिक फीचर है वो ज्यादा यूज होने वाला है, तो यू हैव टू गो विद दिस, यू शुड गो विद दिस, अदरवाइज आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बजाने में थोड़ा सा स्मूथ है,